लोकसभा चुनाव प्रचार का कल अंतिम दिन है और कल ही वीआईपी नेताओं की हरियाणा में आने का सिलसिला जारी रहेगा। इस कड़ी में सिरसा में कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी का रोड शो भी होगा, जिसको लेकर अब कांग्रेस नेताओं ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता वीरभान मेहता ने आज सुबह से ही अभियान चलाकर डोर टू डोर किया और लोगों को प्रियंका गांधी के रोड शो में शामिल होने के लिए निमंत्रण भी दिया। वरिष्ठ कांग्रेसी नेता वीरभान मेहता ने इस मौके पर कुमारी सैलजा की जीत का दावा भी किया। बहुत बढ़िया माहौल है, एक तरफा माहौल है, लोग चाह रहे हैं कुमारी सैलजा को और कांग्रेस पार्टी को, और इस टाइम लोगों में लहर है। अब हम डोर टू डोर आज शुरू कराया मैंने, जे कॉलोनी में सारे साथी मेरे साथ हैं और यहाँ देख लो लोग इतना इच्छुक है, इतने खुश हैं लोग कि लोग कहते हैं कांग्रेस पार्टी को लाना है और बहन कुमारी सैलजा को भारी मतों से जिताना है। ये लोगों को यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी आए थे, क्या लगता है कोई असर छोड़ पाएंगे वो? नहीं, क्या फर्क पड़े, क्या फर्क, कोई फर्क नहीं आने से, उनके आने का यहाँ क्या असर है, बिल्कुल नहीं है। ये तो भगवान राम को इनका थोड़ा है, भगवान राम को प्रणाम कर रहे हैं, भगवान राम सबका है, साझा है, और कोई ऐसी बात नहीं है। उनके आने से कोई फर्क नहीं पड़ा है, बल्कि मैं समझता हूँ कि कल हमारे प्रियंका जी आ रहे हैं 23 तारीख को, आज 22 है, कल 23 तारीख को 8 बजे प्रियंका जी आएंगे, स्थान बता देंगे थोड़ी देर में, हम फाइनल करके कौन सी जगह पर इकट्ठे होना है, तो वो भी यहाँ आएंगे, रोड शो निकालेंगे और बहुत भारी मात्रा में लोग आएंगे यहाँ और लोगों में उत्साह है। भाजपा जाएगी, कांग्रेस आएगी, हरियाणा में 10 की 10 सीटें जो है ना हमारा गठबंधन, 1 आपको और 9 कांग्रेस को, और शैलजा जी हरियाणा में सबसे ज़्यादा वोटों से जीतेगी, इसमें कोई कमी नहीं है। एक तरफा जीत है हमारी, सारी की सारी कांग्रेस को सीटें आ रही हैं। लोगों को में इस टाइम गरीब आदमी आम तंग है, लोग बीच बीच छुटकारा चाहते हैं, इसलिए लोग अब कांग्रेस को और देख रहे हैं और लोग शैलजा को चाहते थे, लोगों की डिमांड पे शैलजा जी आए हैं और लोग वो डिमांड को बड़े खुश हैं लोग शैलजा जी से, इसलिए उत्साह है।